आशा यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स होते हैं कितने नंबर्स के हॉस्टल्स है और कैसे अप्लाई करना पड़ता है सो so, उसके बारे में आज के वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सो so, आप लोगों को क्या करना है हर बार की तरह वीडियो में एंड तक बदलना है so, चले, वीडियो को स्टार्ट करते सो so, आसाम यूनिवर्सिटी के जो टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल्स है अप्रोक्स नाइन के आसपास है जो कि फोर बॉयज के लिए है एंड फाइव गर्ल्स के लिए एंड टोटल जो सीट्स है अप्रोक्स थ्री फिफ्टी के आसपास बॉयज के लिए सीट्स है एंड फोर हंड्रेड थर्टी के आसपास गर्ल्स के लिए सीट्स है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो कैंपस में आशा यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ते है जो एफिलियेटेड कॉलेज में नहीं है सो so कैंपस में जो पढ़ते हैं उनके लिए uh, जो आसाम यूनिवर्सिटी के होस्टेल है और हॉस्टल जरूरी पड़ती है उन्हें हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ता है सो so, आज के वीडियो में अप्लाई कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में कहेंगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड इस साल के जो नए स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं आसाम यूनिवर्सिटी में सो so, आप लोगों को कैसे हॉस्टल का अप्लाई करना है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के थ्रू सो हॉस्टल के लिए जो फॉर्म्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के जो फॉर्म्स है मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल जो है ग्रुप है हमारे उसमें मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले आप लोग को दे दिए थे एंड अभी ऑनलाइन अप्लाई करना या ऑफलाइन अप्लाई करना उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो सो जितना इन्फॉर्मेशन मुझे है हॉस्टल के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है और ऑनलाइन के लिए इस बार ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अभी तक कोई नोटिस यूनिवर्सिटी ने पब्लिश नहीं किए अगर ऑनलाइन अप्लाई होता तो यूनिवर्सिटी नोटिस पब्लिश करके लिंक के थ्रो कहते आ, एक लिंक दिए होते उसके थ्रो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते कि आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करो बट अभी तक आसाम यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं किया है हॉस्टल so, फॉर्म जो है फॉर्म ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे दिया था सो so, जिसने इसने डाउनलोड की है आप एक बार जो यूनिवर्सिटी आसाम यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हो विजिट करके एक बार आप हॉस्टल अप्लाई के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफलाइन आके यूनिवर्सिटी से लेके जा सकते हो और जितना आइडिया मुझे है मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर की कि आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना पड़ता है उसके बाद भी अप्लाई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं उसमें भी आ देख देख के जो स्टूडेंट्स जिनको नेसेसरी होती है उनको देख देख के सीट्स दिए जाते हैं होस्टल के क्योंकि सीट्स जो है लिमिटेड है बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं लेकिन सारे स्टूडेंट्स को अलाउ किए नहीं जाते सो so, आप एक बार यूनिवर्सिटी आके विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके जा सकते हो और ऑनलाइन अगर अप्लाई आए तो उसका नोटिस ऑफिशियल नोटिस आएगा लिंक आएगा बट अभी तक ऑनलाइन कोई ऑफिशियल नोटिस या अप्लाई करने के लिए कोई लिंक नहीं प्रोवाइड किया है यूनिवर्सिटी ने ठीक है सो जब भी प्रोवाइड करेंगे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा सो so, जब भी उसके ऊपर और कोई अपडेट्स आएंगे मैं वीडियो के थ्रू तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा सो ऐसे आप डिस्क्रेस मेरे साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी